होंगे। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है इसको डिफाइन करूंगा, इसमें डिफरेंस बताऊंगा कि एक स्टैटिक डेटा मेंबर और एक आम डेटा मेंबर में क्या डिफरेंस होता है, और एक प्रोग्राम एग्जांपल है जो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। स्टैटिक डेटा मेंबर से पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ये कंसेप्ट आप लोग फंक्शन में पढ़ चुके हुए। ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं ऐसे वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ऐसे वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं आउटसाइड एनी फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं इनको जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उन्हीं फंक्शन में इनको यूज कर सकते हैं, उनके बाहर हम इनको यूज नहीं कर सकते। यानी इनका स्कोप क्या होता है, इनका स्कोप होता है कि विद इन द फंक्शन ऑफ दैट इन विच द लोकल वेरिएबल्स ट्रीटेड। जबकि लाइफ टाइम क्या होता है, लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है जब तक कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर रहता है इनका लाइफ टाइम रहता है, ये मेमोरी में रहते हैं। जैसे ही कंट्रोल उस फंक्शन से बाहर जाता है किसी और फंक्शन में जाता है ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनका लाइफ टाइम एंड हो जाता है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं इनका स्कोप होता है पूरा प्रोग्राम, इनको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, यानी इनका जो स्कोप होता है पूरा प्रोग्राम होता है। और जो ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं, और जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता ये मेमोरी में रहते हैं, ये तभी मेमोरी से डिस्ट्रॉय होता है जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होती है। तो लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम कम होता है, ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम ज्यादा होता है। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है विद इन द फंक्शन होता है, ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम में होता है। लोकल वेरिएबल का स्कोप जो स्कोप है पूरे प्रोग्राम में होता है। लाइफ टाइम ग्लोबल वेरिएबल का ज्यादा है और कम है किसका, लोकल वेरिएबल का। स्टैटिक वेरिएबल हम लोगों ने वहां भी पढ़े थे जब हमने फंक्शन पढ़ा था, ऐसे वेरिएबल जो स्टैटिक वेरिएबल को हम यूज आमतौर पे करते थे, मैं आपको यूज बताता हूँ बाद में, मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि आप ये आमतौर पर काउंट करना चाहते हैं कि फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो आप स्टैटिक वेरिएबल ले लेते थे, उसको इनिशियल वैल्यू जीरो कर देते थे, और जितनी बार कंट्रोल उस फंक्शन पे आता था वो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होती जाती थी, तो आपको पता चल जाता था कि ये कितनी बार फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो होता तो लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसका लाइफ टाइम क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल जितना होता है। यानी इसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है जब प्रोग्राम ये मेमोरी में क्रिएट हो जाता है, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, और ये मेमोरी में ही रहता है जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता। लेकिन इसका स्कोप ये होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन के अंदर होता है, इनको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरीके से इसका मतलब होता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो आमतौर पर वैल्यू को शेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो डेटा मेंबर क्या होता है, जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है उसको क्या कहते हैं, डेटा मेंबर कहते हैं। जो डेटा मेंबर आपको पता है कि मेंबर वेरिएबल भी इसको कहते हैं। जो डेटा मेंबर होता है ये जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हर ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर अपना अपना होता है, यानी मेंबर वेरिएबल अपना अपना होता है। स्टैटिक डेटा मेंबर जो होता है ये इसलिए यूज करते हैं कि हम शेयर कर सके, यानी जो एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बन गया, स्टैटिक डेटा मेंबर बन गया, वो हर ऑब्जेक्ट का सेम ही होगा, वो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना नहीं होगा। जब यानी अगर आपने पांच ऑब्जेक्ट बनाई है तो पांचों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को, एक ही वेरिएबल को एक्सेस करेंगी, तो उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है इसका लाइफ टाइम जो होता है पूरा प्रोग्राम होता है, आपको इसको यानी जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है ये मेमोरी में रहता है, ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय तभी होता है जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होती है। लेकिन जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है इसका जो स्कोप होता है वो विद इन क्लास होता है, आप उसको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और वैल्यू को शेयर करने के लिए आमतौर पर इसको हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी, मैं इधर स्टैटिक डेटा मेंबर शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास है उसकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वह सारी की सारी उसको शेयर करेंगे, उसकी वैल्यू को शेयर करने के लिए आमतौर पर हम इसको लेते हैं। जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, अगर आपने एक क्लास है उसकी पांच ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं, तो उसके अंदर एक जो है क्लास के अंदर आपने एक स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर लिया हुआ है, तो
तो वही एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसी की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगी, पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट शेयर करेगी। अलहदा अलहदा वेरिएबल हर एक का नहीं बनेगा। डिफाइन विद द स्टैटिक कीवर्ड, जब आप इसको डिफाइन करते हो तो उससे पहले स्टैटिक लिखते हो। जैसे ये देखें स्टैटिक इंट एन मैंने लिखा है, तो इसको पहले स्टैटिक लिखते हैं। ये ऐसे इसको करते हैं डिफाइन। ओनली वन वेरिएबल इज क्रिएटेड फॉर मेनी ऑब्जेक्ट्स, जितनी मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें लेकिन वेरिएबल क्या क्रिएट होगा, एक होगा। एक वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन मिलेगी और उसी मेमोरी लोकेशन को बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। लाइफ टाइम क्या इसका, ग्लोबल वेरिएबल वाला, यानी जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी तो स्टैटिक डेटा मेंबर जो है मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ये मेमोरी में रहेगा, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होगी तब ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा। विजिबल ओनली इन ए क्लास इन विच इट इज डिफाइंड, मैंने बताया कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप इसका ये है कि उस क्लास के अंदर ही विजिबल है, उस क्लास के बाहर हम आउटसाइड द क्लास को यूज नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल है, ये हमारे पास ये शेयर्ड वेरिएबल यानी डेटा मेंबर स्टैटिक डेटा मेंबर के बगैर है और ये जो है ये स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर के साथ है। ऑब्जेक्ट है जी b1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 100 है। ऑब्जेक्ट है जी b2, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 200 है। एन वेरिएबल अगर मैं यहां पे लूं, ये कॉमन वेरिएबल है दोनों में, तो दोनों की अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन है, अपनी अपनी वैल्यू है, अलहदा अलहदा से दोनों मेमोरी में क्रिएट हुए हैं। ठीक, अब यहां पर ये दोनों डेटा मेंबर्स नहीं थे, स्टैटिक डेटा मेंबर्स नहीं है, सॉरी डेटा मेंबर नहीं, स्टैटिक डेटा मेंबर नहीं है। अब ये वाली जो एग्जांपल है इसमें एन जो है वो स्टैटिक डेटा मेंबर है। ऑब्जेक्ट जो b1 है a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल 10 है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10। हाँ जी, ऑब्जेक्ट 2 जो है a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू 20, ऑब्जेक्ट 2 जो है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 20, बिल्कुल ऐसे ही है। यहां ये स्टैटिक नहीं था तो n अलहदा वेरिएबल है, इधर n अलहदा वेरिएबल है, n की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू 200 है। यहां ये स्टैटिक था, ये n क्या है, स्टैटिक डाटा मेंबर है। जब ये स्टैटिक डाटा मेंबर है तो एक ही मेमोरी लोकेशन है, उसी को ऑब्जेक्ट 1 b1 शेयर कर रहा है उसी को b2, यानी इसमें अगर 200 वैल्यू है तो b1 के लिए भी 200 है और b2 के लिए भी 200 है। अगर ये मैं वैल्यू यहां पे 400 कर दूंगा तो ये 400 b2 के लिए भी है और b1 के लिए भी है, यानी वैल्यू शेयर करने के लिए। मैंने बताया कि ये शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, यानी एक ऐसा वेरिएबल होता है तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी इसको क्या करती है, शेयर करती है। हां जी, अब इसका एक प्रोग्राम है बड़ा आसान सा, उस प्रोग्राम को से मैं इस सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। iostream.h, courier.h, क्लास याहू, क्लास का नाम क्या है जी, याहू स्टैटिक इंट एन। ये आपने एक डेटा मेंबर लिया, नाम उसका एन है, डेटा टाइप इंटीजर है, स्टैटिक लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस ये क्या होगा, शेयर होगा जितने भी क्लासेस हैं उस सारी क्लासेस की, उस एक क्लास की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारी ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर करेंगे। हाँ जी, पब ये कोई यहाँ प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, कोई यहाँ पब्लिक नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है, ये प्राइवेट है। हाँ जी, पब्लिक याहू n++, ये जो है एक फंक्शन डेफिनेशन है। याहू नाम है, क्लास का नाम भी याहू है तो इसका नाम भी याहू, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। आपको पता है ना कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी उस क्लास की ऑब्जेक्ट बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। हाँ जी, एन प्लस प्लस बीच में स्टेटमेंट है जो एन की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद वॉइड शो, ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन है, यहां से लेकर यहां तक ये सिर्फ आउटपुट को शो करने के लिए है। इंट याहू, और ये आपके पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, n इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, बेसिकली इनिशियलाइज किया है, क्या किया है, इनिशियलाइज, हमने जो स्टैटिक डेटा मेंबर वेरिएबल है n उसको इनिशियलाइज किया है। इस n की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। याहू क्या है, इस क्लास से बिलोंग करता है, और ये डबल कॉलन क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। जब आप वेरिएबल को बाहर डिफाइन करोगे, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करोगे, तो आपको जैसे आप फंक्शन को करते हो उसी तरीके से आपको वेरिएबल में भी करना पड़ेगा। यानी ये क्लास का नेम, ये डेटा टाइप, और ये क्या आ गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और एन की वैल्यू क्या, 0।
तो एन की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई कितनी, जीरो हो गई। यहां पर मेन फंक्शन, ये वो पॉइंट है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, मेन जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। याहू एक्स कोमा वाई दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुई हैं, एक कौन सी एक्स और एक कौन सी वाई। जैसी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगी तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्स के ऊपर जब एग्जीक्यूट होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब वाई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक्स डॉट शो फंक्शन कॉल किया है, कंट्रोल यहां से कहां गया, यहां आ गया। सी आउट एन ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, एन की जगह एन की वैल्यू आ जाएगी, क्या एन की वैल्यू है 2, 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। उसके बाद याहू जी, ये क्या है क्लास का नाम, जी क्या ऑब्जेक्ट, एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी दोबारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। एक्स डॉट शो दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है, दोबारा कंट्रोल इधर गया, एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एन की वैल्यू कितनी है, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड। गेट्स प्रोग्राम खत्म। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, शेयर हो रही है। तो ये हमारा प्रोग्राम था, आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको स्टैटिक डेटा मेंबर बताया, उसकी एग्जांपल दी, प्रोग्राम एग्जांपल दी, कंसेप्ट पे समझाया डायग्राम से। तो बस दोबारा बताने वाले जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है इसकी वैल्यू मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में क्या होती है, शेयर होती है। ये एक ही वेरिएबल क्रिएट होता है, हर ऑब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा वेरिएबल क्रिएट नहीं होता है। इसका लाइफ टाइम जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल वाला होता है, यानी जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उस वक्त शुरू हो जाता है, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होती है तब ये एंड होता है, मेमोरी से डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन इसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसको आप उसी फंक्शन में, उसी क्लास में यूज कर सकते हैं जिस क्लास में इसको आपने डिक्लेयर किया, उसके बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा लेक्चर था, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।